दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जहां एक और कुछ लड़कियां इमोशनल नेचर की होती हैं, तो दूसरी और कुछ लड़कियां प्रैक्टिकल नेचर या भौतिकवादी होती हैं। किंतु जो लड़कियां प्रैक्टिकल नेचर की या अति भौतिकवादी होती हैं, वे न तो जल्दी भावनाओं में बहती हैं और ना ही गले की हड्डी बनने वाले प्यार को पसंद करती हैं। यानी कि जब इन्हें कोई पुरुष पसंद आ जाता है तो ये उसके साथ मनचाहा काम कर लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर इनके लिए प्यार व्यार तो सिर्फ इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, वहीं कुछ लड़कियां थोड़ी भावनात्मक और कुछ प्रैक्टिकल होती हैं। यानी कि इनका कोई एक स्थायी स्वभाव नहीं होता, कुल मिलाकर ये समय के साथ साथ बदल जाती हैं। चलो बताते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। नंबर 1, दोस्तों जो लड़कियां कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल नेचर की या अति भौतिकवादी होती हैं, वे कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करती हैं और खुद से ज्यादा किसी को महत्व तो नहीं देती। इसके अलावा ये लड़कियां हर एक जगह हर एक बात में खुद को सबसे ज्यादा स्पेशल मानती हैं। यानी कि इनकी सोच होती है कि दुनिया में इनके जैसा कोई दूसरा ज्ञानी ध्यानी या विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए इस तरह की लड़कियों के साथ लव अफेयर या रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। सेकंड नंबर, दोस्तों इस तरह की लड़कियां वैसे तो इमोशनल नहीं होती, किंतु अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इमोशनल ड्रामा करने में माहिर होती हैं। इसके अलावा इन्हें गले की हड्डी बन जाने वाले प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यानी कि इस तरह के प्यार व्यार में ये नहीं पड़ती लेकिन जब इन्हें कोई पसंद आ जाता है तो उसके साथ बेहिचक होकर अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर लेने की सोच रखती हैं या अपनी इच्छा पूरी कर लेती हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, यदि इन्हें कहीं दूसरी जगह भी कोई मौका मिल जाता है तो ये पीछे नहीं हटती। कुल मिलाकर इनका फोकस किसी एक के साथ प्यार करने पर नहीं होता, बल्कि जहां इन्हें अपनी इच्छाएं आवश्यकताएं और जरूरतें ज्यादा पूरी होते दिखाई देती हैं, बस उसी के साथ जुड़ जाती हैं या उसका सहारा ले लेती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।